पाकिस्तान को नंगा किया गया ना, नंगा हुआ पाकिस्तान, अब कोई बीग नहीं दे रहा है। अब पाकिस्तान की मजबूरी क्या है, कर्जा, कर्जे के बगैर तो ये कल ही मर जाएगा। अवाम, तुझे पता अवाम की क्या कंडीशन है, दो करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हालिया 3-4 सालों में। तो करेगा यार, गरीब की ना कोई कदर ना होती, ना गरीब का कोई पॉलिसी होती है, ना गरीब की कोई जरूरत होती है। भाई मैंने आपको उस दिन कहा ना, गरीब की कोई औकात ना होती, ना गरीब अपने फैसले खुद कर सकता है। सऊदीया और इंडिया एक्सचेंज कर रहे ना अपने, तुम ईरान से क्यों नहीं लेकर आते हो तेल, क्यों नहीं ले लेते, इनकी औकात थी ना, अमेरिका के बगैर ये चल नहीं सकते। अमेरिका जब तक अमेरिका का एम्बेसडर है ना, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है कि नहीं, क्यों नहीं लेके आ रहे। 22 करोड़ नहीं 25 करोड़ आवाम पूछती है भाई, इतने दलदल में फंसे हुए हैं, 360-370 रुपए का आप पेट्रोल डलवा रहे हैं। गरीब से पूछो जिसकी दिहाड़ी 500-600 पे दिन कमाता है, वो शाम को बाइक पे पेट्रोल डलवाता है, तो उसको क्या गुजरती, क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? सबसे पहले तो प्रेशर ग्रुप के अमेरिका से रिलेटेड अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो मंदिर है वो वहाँ पे तैयार किया जा रहा है, हाथ से तराशा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 1200 से 1300 मुलाजमीन जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो उन्होंने अपनी नौकरियों तक को सेक्रीफाइस किया उसको बनाने के लिए, और सुनने में यही आ रहा है कि मतलब जो है 8 अक्टूबर को जो है वो उसको ओपन कर देंगे, मतलब पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए। क्या कहना चाहेंगे एज आ पाकिस्तानी, क्या सोच रखते हैं कि अमेरिका में भी, फिर पहले सऊदीया में खबर आई थी कि सऊदीया के अंदर बनाया गया है, और दुबई, सॉरी अबू ज़ैबी के अंदर बड़ी खबर आई थी कि अबू ज़ैबी में भी बनाया गया है बहुत बड़ा मंदिर, अब अमेरिका में भी बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर बेसिकली तो सबसे पहले ये ना, रियासत जो होती है ना, रियासत की कोई मजहब नहीं होती है या रियासत का जो हुक्मरान किसी एक फ़िरके को लेके या मज़हब को लेके चलें तो वो रियासत चल नहीं सकती। अगर उसके अंदर उसके शहरी पे चेक करें आप, कितनी आबादी है, मुस्लिम कितने, हिंदू कितने, क्रिश्चियनिटी, अमेरिकन ज़्यादातर आपको पता वो एक क्रिश्चियन रियासत है, लेकिन इसका सबसे पहले अमेरिका अपने इंटरेस्ट बेसिस पे कर रहा है कि वो टूरिज़्म को प्रमोट करेगा, उसके अलावा अपना इमेज दिखाने की कोशिश करेगा पूरी दुनिया में, उसके अलावा बरअज़म एशिया में सबसे ज़्यादा उसके जो मज़बूत ताल्लुकात है इंडिया है, उसको इंडिया खुद एक हिंदुइज़्म रियासत थे आपको, तो उसको खुश करने की कोशिश करेगा। लेकिन इंडिया का तो सेकुलर स्टेट है सर, वो ये कागजी हद तक है, हकीकतन ऐसा नहीं है। मुसलमानों के भी अगर देखा जाए तो वो अब तो मुसलमान वहाँ पे बड़ा ओपनली कहते हैं कि हम बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं सर, आप देखिए जो टॉप, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर अभी तक तो कोई नहीं बना है मुसलमान, आबादी की या कोई प्रेसिडेंट रहे हैं, प्रेसिडेंट वो अब्दुलसलाम को ना, वो तो उसको एटम बम का तोहफा मिला ना, जिसने एटमी ताकत बनाई थी उसी बेसिस पे उसको बनाया गया था। अभी भी अगर देखें बहुत बड़ी बड़ी सीटों पे आपको वहाँ पे मुसलमान तो नजर आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इतना नहीं, लेकिन है वो हिंदुइज्म का है, वो अंदर है, उसका जो रियासत हिंदुइज्म के हु चलती है, लेकिन मुसलमानों की आबादी है। तो भाई देखें, अब अगर स्पेस प्रोग्राम की बात कर लें, आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लें, आपको वहाँ पे बहुत से मुसलमान नज़र आएंगे जो कि हॉट, टॉप हॉट सीट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना सर, वो अपनी एबिलिटी बेसिस पे आई है ना, लेकिन है रियासत वो हिंदुइज्म। अब फ़र्ज़ करो जैसा पाकिस्तान इस्लामी नाम पर बना हुआ ना, इस टाइम इमरान खान कितना इस्लाम है इस टाइम पाकिस्तान में? वो इस्लाम तो सिर्फ नाम के हद तक है, बकाया कुछ भी नहीं है। जिस टाइम वो क्या कहते हैं, इमरान खान की काबीना में वो एक कादियानी को, जिसको पता नहीं, वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में तीसरे नंबर पे आया था इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक्स में इतना बड़ा वो एक्सपर्ट था, लेकिन उसको नहीं लगाया गया इसलिए कि पाकिस्तान को, लेकिन ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, रियासत इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए, रियासत के अंदर अमेरिका हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो। लेकिन अब मंदिर की बात है तो अच्छी बात है, वो बना रहे हैं, लेकिन यूएई में भी बन रहे हैं, सऊदीया में भी खबरें आ रही हैं कुछ इस तरह की, और अब यूएसए में भी 8 अक्टूबर को जो है वो पब्लिक करने जा रहे हैं उसको, तो क्या कहना चाहेंगे आपके, मतलब अब तो हर जगह पे ही मतलब बन रहे हैं। दरअसल ये ताकत के बेसिस पे होता ना, मैंने उस दिन भी आपको कहा था। अब देखो यूएई और यूएई ने तो तस्लीम किया इसराइल को, सऊदीया भी करेगा, अब इंडिया को खुश करने के लिए वो मंदिर बना रहे हैं, बना क्योंकि मोदी के साथ उनके ब्रादरान ताल्लुकात थे, उसको खुश करने के लिए, उनके शहरी को
अपने मुल्क में अट्रैक्टिव पैदा करने के लिए, मुल्क में आना टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए, आबादी ज़्यादा है बराजम शाह में वो क्या कहते हैं चाइना और हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान को वो उस चीज इंटरेस्ट बेसिस पे लेके जा रहे हैं। ये बताएं पाकिस्तानियों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं उनके? गरीब की कहीं भी इज्जत नहीं होती है, किसी भी जगह में जाओ। घर में अगर भाई चार भाई है ना, एक गरीब हो तो उसकी कोई इज्जत नहीं। तो पाकिस्तान गरीब है, किसी हमारी कोई इज्जत नहीं है। यही वजह है कि अरब कंट्रीज भी और सऊदीया वगैरह भी हमें अब लिफ्ट नहीं कराते, नहीं कर रहे हैं गुरबत की वजह से। हमारा आने वाला हुक्मरान प्राइम मिनिस्टर पर हल्फ लेने से पहले प्रोग्राम बनाता है कि भाई किस मुल्क से जाके हमने बीक मांगनी होती है। वो जो बीक ले कर आता है वो कहते हैं कहाँ लगाना है, किस किस बंदे को तकसीम करनी है। अगला नया आता है फिर खजाना खाली खजाना, 3 से 4-5 अरब डॉलर बिलियन डॉलर पड़े होते हैं। तो सनाउल्लाह भाई बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आप करंट पॉलिटिक्स के ऊपर। अभी जो काकड़ साहब है हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो अमेरिका में मौजूद हैं और अगर देखा जाए वहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट कही है कि जिस तरह अमेरिका के लिए इसराइल की अहमियत है, उस तरह पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो चाइना पाकिस्तान के लिए उस तरह। काकड़ साहब अपने कद से ज़्यादा बोल रहा है और अपने कद से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहा है। आप आए हो 3 महीने के लिए, आइन के अंदर आपको 3 महीने का इजाज़त दिया, अगर 6 महीना कोई और आपको इजाज़त दे रहा ताकतवर हल्के तो चलो उसका शुक्रिया अदा करो। हर बंदे को ना मैंने बोला ना अपनी बसात औकात के मुताबिक बात करनी। काकड़ साहब अब ज़्यादा वो कर रहा है, काकड़ साहब कह रहा है कि भाई लगता है स्टेटमेंट गलत दिया उन्होंने। वो स्टेटमेंट है रियासत की पॉलिसी है तो रियासत के सारे ताकतवर जो अंदर जिनको फैसले करनी होती है जुडिशली हो या आपकी इंटेलिजेंस बेसिस पे, जितने मैं तो कह रहा हूँ कि हो सकता है ये इसराइल को तस्लीम करेंगे। जिस तरह तुर्की, सऊदी अरब और बहुत सी कंट्रीज देखने में आ रहा है कि आगे करने जा रही हैं तस्लीम, तो पाकिस्तान पर भी एक प्रेशर है। ये पाकिस्तान को नंगा किया गया ना, नंगा हुआ पाकिस्तान, अब कोई बीक नहीं दे रहा है। अब पाकिस्तान की मजबूरी क्या है, कर्जा, कर्जे के बगैर तो ये कल ही मर जाएगा। अवाम तुझे पता अवाम की क्या कंडीशन है, 2 करोड़ से ज़्यादा लोग गुरबत की लकीर से नीचे गए हालिया 3-4 सालों में। तो करेगा यार, गरीब की ना कोई कदर ना होती, ना गरीब का कोई पॉलिसी होती है, ना गरीब की कोई जरूरत होती है, ना गरीब का अपना कोई फ़ौरन, मैंने कहा ना उस दिन भी फ़ौरन पॉलिसी भी हमारी दूसरे सऊदिया दे रहे हैं। मैंने ये बात ज़राई और सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है कि पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी दबाव है। देखो जब हमारे फ्रंट पे जिस बंदे को लाया जाता ना या पीएम शक्ल में या सदारती, वो उस लेवल की बयान क्यों देता? तुम तो इससे पहले कहते थे कि इसराइल को तस्लीम करना हमारा ईमान का हिस्सा, वो हम ईमान के तक चला जाएगा, लेकिन अब इस तरह का बयान दे रहे हैं और कुछ नहीं होता है। सऊदीया के अंदर खाना कावा बना हुआ है वो कर रहे हैं, तो हमारा क्या, हम तो तीसरे पार्टी है, यूएई ने भी किया, फिलहाल ने भी किया। यार ये कर रहे तो हम 75 सालों से चूरन क्यों भेज रहे थे, क्यों पासपोर्ट पे लिखा हुआ था कि सिर्फ इसराइल के अलावा हर मुल्क में जाने के लिए। ये वैसे सर क्या लग रहा है वैसे कि प्रेशर आगे मजीद बढ़ेगा इसराइल को तस्लीम करने के लिए? प्रेशर बढ़ेगा और इनकी मजबूरियां भी बढ़ेंगे। अच्छा हाँ, इनकी मजबूरियां बड़ी है और भी बढ़ेंगे। चारों तरफ सबसे ज़्यादा 50% कर्जा चाइना ने दिया हुआ है और अभी देगा भी नहीं मजीद इनको, क्योंकि वो भी अपना इंटरेस्ट देखते हैं ना, ये हमसाएगी वमसाएगी कुछ भी नहीं है। तो अब उनको नहीं सऊदिया है तो सऊदिया के इशारों के बगैर तो पाकिस्तान की, सऊदिया के MBS की अगर बात की जाए, मोहम्मद बिन सलमान वो G20 चले गए, पाकिस्तान में विज़िट नहीं किया उन्होंने, अंडर सी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड का मुहैदा किया है, बिजली एक्सचेंज करेगा सऊदिया इंडिया के साथ। हमारे मुल्क में लोड शेडिंग क्या हमारे नेबर कंट्री या जिससे हम कहते हैं हमारे बड़े भाइयों वाले ताल्लुकात हैं उसको नज़र नहीं आता कि मेरे जो दूसरा भाई है उसके मुल्क में बिजली ही नहीं है तो मैं उधर भी कोई मुहैदा कर रहा हूँ, कराची से कोई अंडर सी मैं भी दे दूँ? मतलब अली भाई मैंने आपको उस दिन कहा ना, गरीब की कोई औकात नहीं होती, ना गरीब अपने फैसले खुद कर सकता है। सऊदिया और इंडिया एक्सचेंज कर रहे हैं ना अपने, तुम ईरान से क्यों नहीं लेकर आते हो तेल? क्यों नहीं ले लेते? इनकी औकात थी ना, अमेरिका के बगैर ये चल नहीं सकते। अमेरिका जब तो अमेरिका का एम्बेसडर है ना, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है कि नहीं? क्यों नहीं ले कर आ रहे? 22 करोड़ नहीं 25 करोड़ आवाम पूछती है भाई, इतने दलदल में फंसे हुए हैं, 360-370 रुपये का आप पेट्रोल डलवा रहे हैं। गरीब से पूछो जिसकी दिहाड़ी 500-600 रुपये दिन का माता है, वो शाम को बाइक पे पेट्रोल डलवाता है, तो उसको क्या गुजरती? क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? सबसे पहले तो प्रेशर ग्रुप के बगैर ये काम नहीं कर सकते। तीसरा कुछ जो नहीं है अशराफिया का कारोबार है स्मगलिंग में,
इंटरेस्ट बेसिस पे, मैंने वो आपको कह दिया। सनाउल्लाह भाई, लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई थी, बड़ी खुशी भी हुई थी, आपने गिलगित बल्तिस्तान के हालात जो है वो हमारे साथ शेयर किए थे, आपका बैकग्राउंड भी वहाँ से है और एक बड़ा ही हमारा इंटरेक्टिव सेशन रहा था। उस टाइम कुछ हालात ख़राब जा रहे थे गिलगित के, अभी क्या सूरत हाल है? थोड़ा सा अपने इलाके के हवाले से मुझे, मेरे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि अभी हालात बेहतर हुए हैं या अभी भी कशीदगी वगैरह चल रही है? वो कहावत थे ना, नीम मौला खतरई जान और नीम हकीम खतरई जान और नीम मौला खतरई ईमान। अब इस तरह के फ्रंट पेजेस पे ऐसे मौलियों को लाया जा रहा है जो दूसरे मजाहिब के मुकद्दसात की तोहिन कर रहे हैं, फ्रीक में दूसरा कराती। यार इजाज़त तो नहीं दे रहे ना जिसको इस्लाम मानने, इस्लाम तो इजाज़त नहीं देता। आप किसी गैर मजहब को भी बुरा नहीं कह सकते, या एक खुदा, एक कुरान और एक रसूल के मानने वाले एक दूसरे को करें, तो वो मैं कह रहा हूँ वो भी इशारों के पाबंद हैं। जो ये शिया सुन्नी का मसला वहाँ पे कहा जा रहा है, ये हकीकतन यही मसला है या मसला कोई और है, ये इसको रंग ये वाला दे दिया गया? मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पाकिस्तान की नस्बत गिलगित बल्तिस्तान में अगर उसका भाई शिया है तो बहन सुनी के घर में है। अच्छा, इस तरह के रिश्तेदार है मेरे गाँव में, खुद इस तरह के। सही, आपस में रिश्तेदारी है? आपस में रिश्तेदारी है। हम कब्रस्तान ना हम खुद बनाते, अगर शिया कोई भाई मरे ना, हम खुद जाकर कब्र बना के उसको दफनाते। सुनी मरे वो शिया भाई आके, हम यार इस, आप उधर आके देखोगे ना तो तुम कहोगे यार ये इस तरह का। ये मैं कह रहा हूँ, ये भी एक प्री प्लांटेड वो प्रोपेगेंडा, एक शोशा छोड़ा जाता है वहाँ कुछ चीज़ों के लिए, आईनी हुकूक के लिए, या वहाँ पर जो जुल्म या ज्यादतियाँ हो रही है उसके खिलाफ इकट्ठे होने की कोशिश करें तो कहीं से और पुश लगता है बस। उसके बाद कितना फ़र्क पड़ा है वैसे इन हालात की वजह से, आपस के ताल्लुकात में कोई फ़र्क आया? पहले जिस टाइम आज से 10-15 साल या 8-9 साल पहले फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी लोग समझ चुके हैं सही है कि कौन क्या है और हो क्या रहा है, कौन किसके इशारे पे बात करता है, कौन क्यों कब किस टाइम क्यों बात करता है, उसके बाद कब कौन सी बात करता है, तो लोग समझ चुके हैं। लेकिन अब लोग इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, जो फिर कवारियत की बात करें, जो इंतशार की बात करें। लास्ट पे मुझे ये बताएं, कोई मामला सॉर्ट आउट होता नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है, आपस में उनका साथ डायलॉग कर लिया गवर्नमेंट के साथ, या अभी मतलब प्रॉब्लम स्टिल है अपनी जगह पे? नहीं, अभी तो कोई मसला रिजॉल्व हो गया? हाँ, सारा मसला हल हो गया। उस टाइम बस कुछ इशू हो गए थे तो प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो इंडियन मीडिया ने कुछ ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ था कि वो रियासत के खिलाफ और पाकिस्तान